नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट पटास में। दोस्तों, एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी क्या करती है, सेकंड कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और इसके ऊपर कितना कर जाए वो चेक करेंगे, थर्ड पीयर कंपेरिजन और वैल्यूएशन चेक करने वाले। तो वैल्यूएशन में हम लोग बेसिकली ये चेक करेंगे कि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। फोर्थ आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2005 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स का दोस्तों उपयोग जो है खेत वगैरह में किया जाता है ताकि जो है कीड़े नहीं लगे, जो भी फसल जो उगाते हैं उसको कीड़े नहीं लगने चाहिए, तो उसका उपयोग खेत वगैरह में किया जाता है। और यहाँ पे जो है कंपनी तीन टाइप्स के पेस्टिसाइड्स का जो है यूज करती है। पहला जो है फंगीसाइड्स, सेकंड हर्बीसाइड्स और ये थर्ड जो है इंसेक्टिसाइड्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स का जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं तो कंपनी का जो आईएसओ सर्टिफाइड है तो 9001:2015 ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। और कंपनी 20 स्टेट्स में जो है अपना माल जो है वहां पे सप्लाई करती है। इसके अलावा 15 देशों में भी जो है कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस है, जैसे कि अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कम्बोडिया, ये सभी कंट्रीज है यहाँ पे जो है कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस भी है। तो अच्छा खासा है कंपनी का जो है बिजनेस काफी फैला हुआ है इंडिया में और बाहर के देशों में भी। अभी दोस्तों अगर मैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो था मार्च 2020 में 201 करोड़, लेकिन ये 22 में जो है 2022 के अंदर ये डिक्रीज होकर 166 करोड़ हो गया। वहीं अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे इनका मार्च 2022 में जो है अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की इंक्रीज हुई है, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं दोस्तों इनके नेटवर्थ की बात करूं तो अराउंड 15 करोड़ का नेटवर्थ है इनका। और सामने अगर मैं इनके बोरिंग्स की बात करूं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, तो 12 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है वो 17 करोड़ की है। तो टोटल 29 करोड़ की इनके बोरिंग्स है और सामने इनका जो नेटवर्थ है टोटल कैपिटल वो 15 करोड़ का है। तो ये भी एक कंसर्न वाला फैक्टर है कि बोरिंग्स जो है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेटवर्क। दूसरा, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है, अराउंड 0.08% का इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों यहाँ पे तो 146 डिवाइडेड बाय अगर आप इनका टोटल रेवेन्यू देखोगे तो ये जो है 0.08% के आसपास निकल कर रहा है। मतलब ये 1% से भी इनका जो है प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न वाला फैक्टर है यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। अभी अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे दो कंपनीज निकल कर आ रही है। पहली जो है धनुका एग्रीटेक लिमिटेड और सेकंड जो है मेघ मणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये दो कंपनीज जो है जो की लिस्टेड कंपनीज है और दोनों कंपनीज का अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करूं अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से तो धनुका का 16 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आ रहा है, वहीं मेघमणि का 10.28 का निकल के आ रहा है। और एरिस्टो का जो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 24.57 का है, जो कि ऑन द हायर साइड है एज कम्पेयर टू धनुका एंड मेघमणि। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी एरिस्टो का काफी कम है, सिर्फ 10% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और वहीं धनुका का 22% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और मेघमणि का 21% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो पीयर कंपैरिजन में भी जो है कंपनी का अगर वैल्यूएशन चेक करें ऑन द हायर साइड हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इवन इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी जो है काफी कम है एज कम्पेयर टू धनुका और मेघमणि। अभी अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और थर्ड जो है टू मीट इश्यू एक्सपेंसेस। ये तीन ऑब्जेक्ट रहेंगे कंपनी के। अभी आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 16 जनवरी को ये आईपीओ आने वाला है और 19 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू जो रहेगा वो ₹10 प्रति शेयर का रहेगा और जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ लाने वाली वो ₹72 पर शेयर का रहेगा। लॉट साइज जो रहेगा वो 1600 शेयर्स का रहेगा और इश्यू साइज जो है 13 करोड़ का पूरा फ्रेश इश्यू यहाँ पे रहने वाला है। एचएनए कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर नरेंद्र, मिसिस कुसुम एंड मिस्टर केतन कुमार, ये तीन कंपनी के प्रमोटर्स है।
अलॉटमेंट की बात करें तो 24 जनवरी तक अलॉट हो जाएगा, 25 जनवरी को अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो रिफंड आ जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 26 जनवरी तक, और इसका जो लिस्टिंग डेट रहने वाला है वो 27 जनवरी 2023 का रहने वाला है। यहाँ पे लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट रहेगा 1600 शेयर्स का, और मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए होगा वो 1,15,200 रुपए चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। वही HNI कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो दो लॉट के लिए मिनिमम आपको अप्लाई करना पड़ेगा 3200 शेयर्स, उसमें अमाउंट चाहिए होगा आपको 2,30,400 रुपए। तो ये तो हुई दोस्तों यहाँ पे रिटेल कैटेगरी और HNI कैटेगरी की बात। और अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने से पहले 100% की थी, और आईपीओ आने के बाद जो है 73.37% की हो जाएगी। तो एक मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास रहने वाला है, तो एक अच्छी चीज है दोस्तों यहाँ पे, जितना ज्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास रहेगा उतना जो है कंपनी ग्रो करेगी आगे, क्योंकि प्रमोटर्स का जो है सामने कंट्रोल रहेगा अच्छा खासा, तो उस हिसाब से कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। अभी दोस्तों एस आई पी ओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते। तो पहला दोस्तों, पहला जो मैंने आपको कंसर्न बताया कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है, इनका मार्जिन ओवरऑल रेवेन्यू पे वो काफी कम है, ठीक है। तो पहला कंसर्न तो ये है। दूसरा कंसर्न मैंने आपको बताया कि इनकी बोरिंग्स काफी ज्यादा है, तो अगर आप बोरिंग्स देखोगे तो 29 करोड़ के बोरिंग से सामने इनका जो नेटवर्थ है सिर्फ 17.5 करोड़ के आसपास का है, तो ये भी एक कंसर्न है। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, कंपनी का जो मोस्टली जो भी कंपनी कमाती है उसका पेमेंट जो है इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता है, तो इनको और इनका दोस्तों इनको जो है ना बोरिंग्स कम करनी पड़ेगी, तब जाके जो है कंपनी का यहाँ पे जो है प्रॉफिट सुधर सकता है। अदरवाइज जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है हमेशा हमें मार्जिन जो है उसमें डिक्रीज देखने को हमें मिलेगा। और दूसरी पॉजिटिव चीज ये कि इनका अच्छा खासा कंपनी को काफी सारे प्रमोटर्स को एक्सपीरियंस है ओवरऑल, और यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी है, तो वो भी जो है एक अच्छी चीज है। लेकिन जो एक कंसर्न वाला फैक्टर हमें देखने को मिला कि इनका वैल्यूएशन अगर हम बात करें, इनका ईपीएस जो है 2.93 का है, प्राइस रनिंग रेशो 24.57 का, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी, जो हमने देखा कि मार्जिन वगैरह कम है, और रेवेन्यू भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू 201 करोड़ से डिक्रीज ही हो रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है ऑन द हायर साइड है। तो इसलिए दोस्तों आप चाहे तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर वैल्यूएशन ऑन द चीपर साइड होगा, अगर लोअर साइड होता ना, तो ये आईपीओ जो है अट्रैक्टिव आईपीओ बन सकता था। लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो ऑन द हायर साइड है, जो कि अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप चाहे इसको अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो मेरा एनालिसिस था, लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर कर लेना और उसके बाद ही जो है डिसाइड करना कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।